अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सर एक प्रार्थी है, जो घटना घटित मुझे बता दो क्या है कि इनका सर बालक है, इसमें खुला सोशल मीडिया पर उसने क्या लिखा है। अब दूसरी बात, जब पुत्र ने पिता से जब बात बताई कि पिताजी ऐसा ऐसा हुआ, जब ये लिखा, अब जो पहली से लेके ये पांचवी, आज मान लो बारहवीं पास हो गया, कॉलेज में चले गया बंदा, आज भी वही नाम लिखा रहा है जिस नाम से इसका आधार कार्ड लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि इसके सी लगाने पे उनको तकलीफ हो गई। अब कहते हैं कि ये खाली हमारी ऊंची जाति में लगता है भैया, ठीक है बताएं किस विषय को लेकर अभी आप देवास एसपी कार्यालय पहुंचे, आपने आवेदन सौंपा। ये बालाकोट में वो एसएमएस करके जान से मारने की धमकी दे, गालियां दी, तो मेरे को बोला पापा को समझा घर पे आना। जब मैं घर पे गया तो बीच रास्ते में इन लोगों ने रोक के मेरे को साथ मारपीट की और नीची जाति का और उच्च जाति का अपमान सब करके गाली गलौज की, और घर वाले को बोला कि तेरे अगर तू रिपोर्ट डाले तो तेरे परिवार को और तेरे को सब जितना जला देंगे और तेरे बच्चे को मार डालेंगे। कौन लोग हैं ये? राजपूत जाति के लोग हैं, करने से मर रहे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने आपको? ये करीबन 10-12 लोग थे, ग्रुप बना के आए थे। हाँ। और तीन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। क्या आश्वासन दिया अभी आपको एडिशनल एसपी ने? एसपी साहब ने बोला कि ठीक है आपके साथ कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपके बेटे का? सूरजपाल सिंह चौहान। और आपका? मदन लाल चौहान। कहाँ से आए आप? नानू खेड़ी से। कब हुआ था यह सोशल मीडिया पर मामला? ये कल हुआ था, और शाम को मेरे साथ 7:00 बजे तक मारपीट। किन लोगों ने की मारपीट? ये सुरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह और नारू। तो आपने थाने पे सूचना नहीं करी इसकी? क्या टाइम ज़्यादा हो गया था, अंधेरा हो गया था, तो आने की समस्या थी, और लोगों को क्या है कि वो रात में मारने के लिए रास्ते पर रोक के खड़े थे। ठीक है, बताएं अभी आप एसपी कार्यालय पहुंचे थे, एक विषय में आवेदन दिया, क्या कुछ पूरा मामला है? ये हमारे समाज का मामला है और ये टोक खुर्द तहसील है, ग्राम है नानू घेड़ी, वहाँ के गांव के दबंग जो लोग हैं, गांव के दबंग लोगों को हमारे एक पक्षकार में उसने गांव के समाज का जो व्यक्ति है उसके नाम में सी जो लगा दिया, तो उस सी नाम से उसे तकलीफ हो गई। अब उसका कहना है कि ये सी जो वर्ड है, जो ये सरनेम है, ये खाली ऊंची जाति के लोग लगाएंगे, तो ऐसा कौन से कानून में लिखा है ये मुझे वो लिखित में दे दें। आज हमारा जो पक्षकार है, हमारे जो समाज के लोग हैं, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो थाने पर भी गए लेकिन थाने पे कोई सुनवाई नहीं है। इस कारण से आज हम एसपी ऑफिस आकर और माननीय एडिशनल एसपी महोदय को हमने एक आवेदन दिया है, जिसके माध्यम से उन्होंने तुरंत टीआई साहब को फोन पर वार्तालाप चर्चा भी की है और कहा गया कि इसको उचित कार्रवाई। आपने सोशल मीडिया का एक स्क्रीनशॉट भी पेश किया साहब के? बिल्कुल किया है, और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरे हाथ में है, इसमें ये बिल्कुल लिखा गया है कि तू ये यहाँ सबने हटा ले, और ये पूरा मैं अब शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ। संतुष्ट है आप एसपी साहब की बात? मैं इनकी कार्रवाई से संतुष्ट हूँ, मैंने 24 घंटे का बोला है साहब को कि अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं उग्र आंदोलन करूँगा। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट संजीव सुनील, नगर अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ देवास।